बढ़ाने को तैयार है सिद्धार्थ जी, पूरे 24 घंटे लेट हैं आज आपके लिए। आप सोचेंगे हमने कल इनवाइट किया था आ जाए, जी ने कल छुट्टी मार ली थी, मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में सिद्धार्थ जी की होती है सिप, लेकिन आज बुधवार की जगह गुरुवार को सिट की सिप। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका, बताएं सर इस हफ्ते की थीम। सिद्धार्थ जी एक तो वैसे भी मैं दिल्ली में हूँ, आप मुंबई में ठहरे, उसके ऊपर से मैं स्टूडियो में भी नहीं हूँ, आप भी उसके ऊपर से आप म्यूट हैं, तो मतलब मेरे लिए है ना आपके हाव भाव से भी पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि टीम कौन सी है। नहीं तो ऐसा सुनने में तो इजी पता चला, मैं तो कई बार हाव भाव से भी पता लगाता हूँ कि सिद्धार्थ जी कौन सी थीम दे रहे होंगे, तो आज तो आपको ऑडियो अनम्यूट करके ही बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल अनिल जी, माफी चाहूंगा। अनिल जी कल छुट्टी मार दी पर मैं भी दिल्ली में ही हूँ आप ही के हाँ साथ, और मैं अभी हमारे ऑफिस में हूँ और डिफरेंट लोकेशन से कर रहा हूँ। अनिल जी पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिट की सिप आपकी डिफरेंट हाँ लोकेशन में है और मैं भी डिफरेंट लोकेशन में हूँ, हम दोनों मुंबई में नहीं है। अरे वाह, तो फिर आप जो जो भी दिल्ली वालों के लिए हिमांशु जी, कुणाल जी, राकेश जी और आशु सर के लिए जो भी वो गिफ्ट लेके आए हैं वहाँ से मुंबई से, वो उन्हें डिलीवर करवा दीजिएगा, और बाद में अगर उनको गिफ्ट वगैरह अच्छा लगा तो जनरली कुणाल जी, राकेश जी, ये सब लोग हैं ना, जनरली इन्हें गिफ्ट अच्छा लगता है तो ये रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं, ऐसा परंपरा है दिल्ली की। कुणाल जी मैं सही बिल्कुल तो कह रहा हूँ ना? बिल्कुल अनिल जी, रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं, रिटर्न टिकट भी देते हैं, अनिल जी सब कुछ देते हैं। अगर जर्मनी की टिकट आ गई तो रिटर्न टिकट भी इनको मिलेगी। तो अनिल जी इनको बोलिए सिद्धार्थ जी को कि तुरंत संपर्क करें अनिल जी, और जो गिफ्ट लाए वो हम तक पहुंचाए अनिल जी तुरंत। मेरा तो मामला आज क्या शेड्यूल टाइट है, नहीं तो मैं आप लोगों से जरूर मिलता शाम को, लेकिन मैं तो शाम को वापस मुंबई आ जाऊंगा। सिद्धार्थ जी की आप अच्छे से बढ़िया वाली खातिरदारी करें, मतलब आप भगत हैं मेहमान नवाजी, आप खातिरदारी को अलग तरीके से, कुणाल जी का, बंसल जी का भरोसा नहीं है, दिल्ली वालों का सावधान ही रखिएगा सिद्धार्थ जी, ये खातिरदारी का मतलब अलग भी समझ लेते हैं, तो अच्छे से आओ भगत, मेहमान नवाजी, खिलाए पिलाए, उनको प्रसन्न करके वापस दिल्ली भेजे, मुंबई भेजे, हो सकता है उनका आगे का जर्नी का प्लान उसी के दम पर बन जाए। बताएं सिद्धार्थ जी इस हफ्ते की थीम। अच्छा हुआ अनिल जी आपने चेतावनी दे दी, तो मैं भी आज ही वापसी ले लूंगा बंबई के लिए। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तब सुमित जी से लिफाफे ला के राकेश जी, कुणाल जी, हिमांशु जी, आशु जी सबके लिए लेके आऊंगा। वाह वेरी नाइस, बताए सर। जी बिल्कुल अनिल जी, आज की जो थीम है वो है प्रॉक्सी प्ले। प्रॉक्सी प्ले इसीलिए क्योंकि जो सेक्टर है उसका प्रॉक्सी प्ले करता है, और ये जो सेक्टर है उसके लिए लाया हूं वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का प्रॉक्सी प्ले लेके आया हूं आज सिट की सिप में। हाउसिंग सेल्स अक्रॉस 7 सिटीज ऑल टाइम हाई पे टच कर रहे हैं। 1.2 लाख यूनिट्स के सेल्स आ चुके हैं घरों के, 36% वाईवाई ग्रोथ, राइजिंग डिमांड ऑन द रेसिडेंशियल होम प्रीमियम सेगमेंट। प्रीमियम सेगमेंट की जब बात करूं तो पहले 9 महीने में, 2023 के पहले 9 महीने में 84,000 लग्जरी होम्स की सेल्स हो चुकी है। होम सेल्स की जो ग्रोथ है वो 25% से बढ़ रही है, और हम मानते हैं कि ये होम सेल्स की ग्रोथ प्रॉक्सी प्ले से बहुत अच्छे से खेल लेंगे। आपने रियल एस्टेट कंपनियां तो कई खरीदे होगी, बट प्रॉक्सी प्ले जो रियल एस्टेट की है उसके ऊपर आज थीम लेके आया हूं, वो है प्रॉक्सी प्ले। प्रॉक्सी प्ले ये है आपके लिए बेहतरीन थीम। बताएं सर इस थीम में कौन से स्टॉक आपने चुने, किस प्रोपोर्शन में खरीदने हैं, और साथ ही कितनी कमाई करने के लिए हाथ से। बिल्कुल अनिल जी, प्रॉक्सी प्ले में 5 कंपनियां लाया हूं और ये बहुत ही क्रम वाइज मैंने सजाया है। घर बनता है तो कैसे बनता है, ये एकदम क्रम वाइज सजाया है और अच्छे से अच्छी कंपनी लेके आया हूं। इक्वल प्रपोर्शन में 20-20% के हिसाब से आपको लगानी है पैसे इस पे। पहली कंपनी होगी, जब घर बनता है तो चकाचक टाइल्स के साथ बनती है, तो पहली कंपनी होगी कजलिया सेरेमिक्स। टारगेट रखना है 1525 का, 1525 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 13.6% के सीएजीआर ग्रोथ कजारिया सेरेमिक्स, देश की मिट्टी से बने हुए टाइल्स और वेट्रीफाइड टाइल्स की कंपनी है,
सेकेंड हाफ काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, वॉल्यूम के लिहाज से 9 से 10% के वॉल्यूम आ सकते हैं। FY24 में जो मार्जिन आ सकते हैं, जो कंपनी गाइडेंस दे रही है वो 14 से 16% का दे रही है। केपेक्स 370 करोड़ का केपेक्स आ सकता है। दूसरी कंपनी है, अपने टाइल्स तो लगा दिया, फर्नीचर तो बनाना ही पड़ेगा नए घर में, रियल एस्टेट में, और वो है ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल जिसपे टारगेट रखना है 402 रुपए का, 402 का प्रेफरेंस है, स्ट्रॉन्ग रियलिटी का होम प्ले ग्रीन पैनल्स होता है, 27% का मार्केट शेयर है इनका। एमडीएफ सेगमेंट में ये वुड पैनल्स और एमडीएफ बनाती है, लार्ज स्टोर्स है, 3.5% का वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है, 500 करोड़ का केपेक्स है, अच्छे से अच्छा फर्नीचर बनाने के लिए आपके घरों के लिए ग्रीन पैनल काम लगेगा। तीसरी कंपनी, फर्नीचर तो बन चुका, घर के पेंट करवाने पड़ेंगे, सारे वॉल्स एकदम मस्त पेंट होने चाहिए, और ये पेंट की कंपनी है एशियन पेंट। टारगेट 3650 का, 3650 का पेंट सेगमेंट की एशियन पेंट। रीपेंटिंग का जो साइकिल है वो अब रिड्यूस होते जा रही है, लोग पहले 5 साल में कराते थे, अब 3-3 साल, 2-2 साल में कराते हैं, हर दिवाली टू दिवाली कराते हैं। न्यू होम सेल्स के कारण स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है 1.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किए गए हैं, 3% का मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं आने वाले समय में, 50-60% ब्राउन फील्ड का केपेक्स है। एशियन पेंट्स भाव अभी गिरे हैं जिसके कारण वॉल्यूम आ सकते हैं एशियन पेंट्स में। पेंट तो करा लिए आपने घर पे, अब एसी भी लगाना बहुत जरूरी होता है, गर्मियों का मौसम में एसी बगैर नहीं चलता, अब तो इंडिया में कोई भी मौसम में एसी बगैर नहीं चलता। और कंपनी है वोल्टास जिसका टारगेट रखना है 993 का। एसी सेगमेंट में डिमांड स्ट्रॉन्ग है, प्रीमियम सेगमेंट में भी वोल्टास बहुत अच्छा चलता है, टाटा ग्रुप कंपनी है। नेक्स्ट ग्रोथ टायर 2 टायर 3 सिटी से आ सकता है वोल्टास का, 51% मुनाफों में सीएजीआर ग्रोथ हो सकता है वोल्टास में। वो एसी लग गए, अब अप्लायंसेस की बारी है, अच्छे लाइटिंग्स, अच्छे पंखे और अच्छे स्विचेस, ये बहुत जरूरत है। और ये कंपनी है हैवेल्स इंडिया में खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 1405 का, 1405 रुपए का, स्ट्रॉन्ग H2 सेकेंड हाफ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 25% का सीएजीआर ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं हैवेल्स पे। और टायर 2 सिटी से जोरदार ग्रोथ, 600 करोड़ का केपेक्स। तो प्रॉक्सी प्ले में ये पांचों कंपनियां घर बनाने में बहुत आपको यूजफुल और बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज का रियल एस्टेट का प्रॉक्सी प्ले लेके आया हूँ, ये सारी पांचों कंपनियां, 6 से 12 महीने का निवेश। हैवेल्स यहाँ पर करें खरीदारी, वोल्टास यहाँ पर, एशियन पेंट्स, ग्रीन पैनल और कजारिया सिरेमिक्स प्रॉक्सी प्ले थीम में। ये है सिद्धार्थ जी की आज 5 चॉइसेस हैं 20-20% के एलोकेशन के साथ, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। सर शुक्रिया ये आज की SIP बढ़िया थीम हमारे लिए लाने के लिए। आइए स्टॉक्स पर रखेंगे नज़र, बाजार की मूव थोड़ी और स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। केमिकल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आ रहा है, ऑटोज और टायर्स में आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। और इस बीच जो बाजार की पॉजिटिविटी है उसमें एक योगदान आ रहा है कच्चे तेल की गिरावट से भी। वैसे भी कंफर्टेबल लेवल्स पर था, कल इंट्राडे में तो बड़ी गिरावट हुई।